हो गया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टिल हुई हुई है तस्वीर। एहसान एहसान तस्वीर स्टिल क्यों है? ये दोबारा से करो। तस्वीर स्टिल है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज मंडे का दिन है और हस्ब मामूल हुवा शाफी प्रोग्राम के साथ राना सईद अहमद खान साहब और डॉक्टर मुख्तियार अमीनी साहब और खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो जो पिछले प्रोग्राम्स हुए हैं उनके अंदर बहुत से दोस्तों ने राना सईद साहब का शुक्रिया अदा किया है। पिछले दो प्रोग्रामों में अमीनी साहब नहीं थे। बहुत से लोगों ने पूछा है अमीनी साहब क्यों नहीं आए या आइंदा आएंगे, क्योंकि बाज लोग सवालात के अंदर लिखते हैं कि भाई इसका जवाब हमें अमीनी साहब से चाहिए, इसका हमें राना साहब से चाहिए। इसलिए इन तमाम अहबाब के मोहब्बतों का बहुत ही शुक्रिया कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में दिलचस्पी लेते हैं और दिलचस्पी से प्रोग्राम देखते हैं। एक तो ये दरख्वास्त है कि आज अब्बास अनवर साहब को क्योंकि वैक्सीन लगी है दूसरी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो वो आज प्रोग्राम में शामिल नहीं हो रहे। इसलिए दौरान प्रोग्राम जो लोग आज सवालात भेजते हैं वो शायद मैं ना कैच कर सकूं, क्योंकि मैं इसको प्रोग्राम कर रहा हूँ, वो टेक्निकल हेल्प उनसे मुझे मिलती है। तो या तो मेरा मोबाइल है व्हाट्सएप है उसके ऊपर करें, सवाल भेजें तो वो मैं यहाँ पढ़ के सुना दूंगा। और वो है 00049 जर्मनी का नंबर है 171-1974701। जो उस पर मुझे सवाल आएंगे वो मैं दे दूंगा, लेकिन जो ईमेल पे या डायरेक्ट इस वक्त भेज रहे हैं वो मैं कैश नहीं कर सकूंगा। दूसरे मेरी एक दरख्वास्त ये है कि जो भी सवाल भेजे वो उसके ऊपर डेट जरूर डाला करें कि वो किस तारीख को जो है सवाल भेज रहा है। और इस मुख्तसर गुजारिश के साथ सवालात की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम के कि दोस्तों पहला सवाल यह है कि MRSA कोई बैक्टीरिया का नाम है। पूछा गया कि ये बैक्टीरिया क्या है। लिखने वाले लिखा कि पहले मेरे नाक में हुआ था, उसकी सफाई वगैरह करवाई गई, फिर मेरे पांव में जख्म बन गया जिसको बकायदा चीरा देना पड़ा और डॉक्टर ने कहा कि ये MRSA बैक्टीरिया था जिसकी वजह से पांव में ही बना है। तो ये क्या, जिसमें टांके भी लगे, 5 टांके लगाने पड़े पांव में, तो ये बैक्टीरिया क्या है और इसकी होम्योपैथिक में दवाई कोई है तो बता दें जी। राना सर जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MRSA बैक्टीरिया क्या है ये तो इसका तो मुझे इल्म नहीं है। तो अगर उनको ये पहले उनके जिस्म में हुआ, नाक में हुआ, फिर उसके पांव में हुआ, ज़ाहिर है कोई इन्फेक्शन ही है। तो ऐसे इन्फेक्शन को रोकने के लिए पायरोजिनम 200 बेहतरीन दवाई है। और दूसरी दवा है एकिनेशिया। एकिनेशिया मतलब ट्रिंक्टर 10 कतरे सुबह 10 कतरे शाम, और पायरोजिनम 200 में हफ्ते में 2-3 बार लें तो लगभग से ऐसे इन्फेक्शन से तो महफूज रहेंगे। अगर कोई मजीद वजाहत है तो वो मेरे मोहतरम अमीनी साहब बता देते हैं। जी जज़ाकल्लाह। ये जो वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है ये मुख्तलिफ खानों की बासी या चीज़ों की वजह से होता है। इसका नाम है बहुत बड़ा है MRSA का। ये इसको दूसरे लफ्जों में सुपर बग कहते हैं। बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, ये ज़्यादातर पैदा होता है आंतों में पैदा होता है, और यानी कि आप खाना खा के फ़ौरन सो जाए इसकी वजह से हाल ही को बैक्टीरिया भी पैदा होता है। ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया हैं जो इंसान के खाने से कन्वर्ट होते हैं और वो इंटेस्टाइन के अंदर पैदा होते हैं। जो इसके लिए जो डॉक्टर साहब ने रेमेडी बताई है वो इस्तेमाल करें। और एक और दवाई है जो इस ड्रग को या इस सुपर बग्स को ख़त्म करती है वो मायरिस्टिका है। पूछा मेरी डिलीवरी को 7 माह हो गए हैं, डिलीवरी के बाद सिर्फ 1 दिन ब्लीडिंग हुई, इसके बाद स्पॉटिंग हो रही है, 3 माह से पीरियड नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन स्पॉटिंग अब भी होती है, पीरियड के दौरान दर्द भी होता है,
पेट बहुत बढ़ गया है, टांगों, घुटनों और कमर में बहुत दर्द है, दर्द रहती है, इसकी दवाई पूछिए ना। जी मीन सर, अच्छा जजाक अल्लाह। ऐसा जो होता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस वॉल जो होती हैं वो फुल ऑफ ब्लड हो जाती हैं और सूज जाती हैं, और वो थोड़ा थोड़ा जैसे औरत ने थोड़ा सा उठी है, झुकी है, उससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, वो स्क्वीज होता है। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी जो है वो अपने अंदर ब्लड को स्टोर कर रही है और उसको रिलीज नहीं दे रही होती। इसके लिए वाइबरनम ओपुलस है, वो 5 ml दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने से उनकी ब्लीडिंग और एंडोमेट्रियोसिस जो है वो स्क्वीज हो जाते हैं, वो उसका इस्तेमाल करें। और इनकी जो पेट की जो इसके साथ है, इनको बवासीर का एक लाइक बवासीर होता है, बजात खुद उसमें जलन नहीं होती टॉयलेट में, और ना ही है ना टॉयलेट जो है पेट आसानी से खारिज होती है। तो इसके लिए कस्कारीला का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, वरना ये इनका ये टांगे भी सूज जाएंगी, पैर भी सूज जाएंगे और इनका लीवर भी सूज जाएगा। राज साहब, आपने दवाई बनाने का, दवाई बढ़ाने का तरीक बताया था। वो पूछते हैं कि एक दवाई को कितनी बार अल्कोहल डाल डाल के बढ़ाया जा सकता है, सारी जिंदगी उसके असर में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं बढ़ेगा असर, मतलब अगर फर्ज किया 30 पोटेंसी है तो शायद को 5 साल बाद 32 हो जाए, बाकी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बोतल खत्म हो उसी में वो मजीद अल्कोहल डाल दें, इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ जी, फिरान साहब एक ने पूछा है, दिमाग को सुकून नहीं मिलता जब तक दोबारा चेक ना कर लिया जाए, मसलन घर का दरवाजा बंद किया है कि नहीं, चूल्हा बंद किया है कि नहीं किया, फ्रिज का दरवाजा बंद किया है कि नहीं किया, बार बार जाके चेक करना पड़ता है, खामखा की टेंशन जो है उसके लिए कोई दवाई। ये एक्चुअली आयोडीन में पाया जाता है। आयोडीन अगर 200 में या 1000 में वो वीकली डोजेज लें तो ये जो होता है ना वहम कि मैंने बाहर के दरवाज़ा लगाया कि नहीं लगाया, गाड़ी लॉक की या नहीं की, चूल्हा बंद किया या नहीं किया, वो हालांकि उसे पता होता है कि मैंने किया, लेकिन जाके वो दोबारा जरूर देखेगा कि चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है, तो बाहर का दरवाज़ा लॉक किया या नहीं किया, उसे पता है मैंने वो चाबी घुमाई हुई है, लेकिन उसको चेक थ्रू चेक करेगा। ये आयोडियम में पाया जाता है, आयोडियम की तो दो चार खुराकें ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, बच्चा है 7 साल उम्र है, बार बार हाथ या उंगलियां जो है मुंह में डालता है, उसकी दवाई पूछी वाला है। बच्चा 7 साल का बार बार उंगलियां डालता है मुंह में, उंगलियां चूसता है, उसमें कैल्शियम की कमी मतवक्के है और हो सकती है कि उसमें कैल्शियम की शदीद कमी हो। कई बच्चे कपड़ा चूसते हैं, कई बच्चे चूना खाते हैं, कई बच्चे कुछ मतलब कपड़े जो उन्होंने पहने होते हैं उनके वो कॉर्नर मुंह में डाल के चूसते हैं, तो ऐसे बच्चे को कैल्शियम फॉस्फोरिकम 30 में देनी चाहिए और फिर उन पर नज़र रखनी चाहिए। पेट की जिल्द जो है वो ढीली पड़ जाए, उसको सख्त करने के लिए क्या दवाई है? योगा योगा या एक्सरसाइज। ये एक किस्म का हैरनिया होता है, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग होती है, और यानी कि वो आदमी या तो बहुत ज्यादा तेजाबी चीजें जैसे लेमन है, सिरका है लेता है, तो उसकी जो हैरनिएशन बढ़ जाती है, या ऐसे खाने इस्तेमाल करता है जैसे शोरबे में कहीं नमक ज्यादा इस्तेमाल करे तो आंतें जो हैं फैल जाती हैं और वापस नहीं जाती। अगर वो योगा करता है और इस तरह के खाने खाता है तो उसको योगा जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, तो फिर उनकी आंतें जो हैं स्क्वीज होगी, वरना ये हमने ढीली होती चल जाएंगी। और इसके लिए रठानिया एक दवाई है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, दांतों को सेफ रखने के लिए या मजबूत करने के लिए भी क्या हो वैसे कि उनको दवाई है? जी ये राम साहब, सॉरी, ये है कि हाँ जी, दांतों को अक्सर मजबूत रखने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, और अगर कैसे ऐसी बीमारियां जैसे डायबिटीज है तो इसमें दांत मजबूत नहीं रहते, और खून की कमी की वजह से भी दांत मजबूत नहीं रहते, और आंतों की खराबी की वजह से भी दांत मजबूत नहीं रहते, क्योंकि बॉडी जो है वो जो एंजाइम्स हैं वो टॉयलेट और पेशाब के जरिए निकालती रहती है, तो बार बार स्टोर नहीं हो पाता।
अगर कोई किसी को डायबिटीज है या मैदे की कमजोरी है तो उनको इलाज करना चाहिए, और दूसरे नंबर पर जो दूध का इस्तेमाल करें कि भी उनके दांत मजबूत हों। फिर अगर इसके बावजूद बाज़ लोगों को हींग सूट करती है जो मजबूत दांत कर देते हैं, अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें हींग थोड़ी मिकदार में रोजाना दूध में डालकर ली जाए तो उनके दांत मजबूत हो जाए। लेकिन मिनी साहब ने दुरुस्त फरमाया, दांतों को मजबूत रखने के लिए मसूड़ों का मजबूत होना जरूरी है, और मसूड़ों को स्ट्रोंग रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए प्रोपोलिस नंबर एक दवा है। आप बजाय इसके कि सुबह टूथपेस्ट डाल के अपने दांतों को रगड़ें, अगर आप प्रोपोलिस को मुंह में रख के उसके साथ ब्रश करें अपने, तो आपके दांत भी मजबूत होंगे और आपके मसूड़े भी सेहतमंद रहेंगे। दो चार कतरे प्रोपोलिस मदर टिंचर के, या 5 कतरे मुंह में डाल के, तो उसको आप अच्छी तरह से पानी डाल के ब्रश करें उसके साथ, तो आपके आपका मुंह अंदर से मुंह भी फ्रेश रहेगा और आपके मसूड़े भी मजबूत और सेहतमंद रहेंगे इंशाल्लाह। तो जी अमीनी साहब, सवाल जरा लंबा है। जी उम्र है 42 साल, जी कीमोथेरेपी की वजह से 4 माह से पीरियड नहीं आ रहे। डॉक्टर कहते हैं कि कीमियो की वजह से मुस्तकिल भी बंद हो सकते हैं, या शायद कीमोथेरेपी बंद होने के बाद दोबारा पीरियड आने शुरू हो जाए। पीरियड ना आने की वजह से टांगों और पेट से वजन बढ़ रहा है, घुटनों में बेचैनी और दर्द है, रात को पसीना आता है जो बाद में ठंडा हो जाता है और ठंड लगती है, नींद भी कम हो गई है, हल्की सी आहट से आंख खुल जाती है, दोबारा नींद आनी मुश्किल होती है, बाज दफा नहीं भी आती, दोबारा नींद बहुत मुश्किल से आती है और बाज दफा नहीं भी आती, रात को 3 या 4 घंटे नींद लेने के बाद आंख खुल जाती है फिर नींद नहीं आती। इसकी दवाई पूछिए जी। दवाई तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हैं और अच्छी दवाइयाँ भी हैं, मगर सबसे पहले ये है कि उनका जो यूट्रस ब्लीड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये होता है कि उनके पास तो खून है ही नहीं। जब वो खून नहीं है तो उनको जो खून था जो भी, वो केमोथेरेपी की नज़र हो गया। केमोथेरेपी से हमेशा लिवर को नुकसान पहुंचता है, और जिससे की वजह से बाल गिर जाते हैं, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, खून आधे से कम हो जाता है। तो जो यूट्रस की वॉल जो होती है इंडोमेट्रियस, वो अपने अंदर ब्लड को स्टोर करती है और जब वक्त आता है तो उसको रिलीज करती है धोने के लिए। अब इनके पास जो वो कह रहे हैं कि भाई उनका यूट्रस जो है नीचे से सूज गया, जो वो वजन महसूस कर रही हैं वो सूज गया है। सूजने का ये मतलब नहीं है कि उनके पास ब्लड बहुत ज्यादा है तो सूज गया, वो वैसे ही एक ग्लैंड होता है वो सूज जाता है जैसे दूसरे ग्लैंड सूज गए हैं, मगर उनमें ब्लड नहीं है, वो खुश्क हो गया है। इसमें फाइब्रॉइड्स बन सकते हैं। अब उनको मेन चीज ये है कि उनको एक लिवर टॉनिक चाहिए और उसके अंदर थूजा चाहिए, हाइड्रोकोटाइल चाहिए उसके अंदर जो उनके दोबारा से उनके खोल दे, मगर यह है कि उनकी सूजन को कम करने के लिए कोलिनसोनिया और डाइस्कोरिया दो दवाइयां हैं जो उनके आंतों को खोलने में मदद करेंगे और यूट्रस को रिलीज करेंगे। अगर हम उनके फ्रैक्सिनस है, वाइबरनम है, एग्नस कास्टस है, ये दवाइयां देकर भी उनको कोशिश करें कि भी उनका मेंसेस जारी भी होने के चांसेस भी हो, मगर जब तक ये दवाइयां उस वक्त काम करेंगी जब इनकी बॉडी में कुछ ब्लड होगा, तो ब्लड इनका बहुत कम है, ब्लड पहले इनको बनाना पड़ेगा। सही राम साहब, डे आइंस को मदर टिंचर कहा जाता है, तो क्या इसके 10 या 15 कतरे लेने होंगे? इसको प्लीज वाजे कर दें कि होम्योपैथिक की पोटेंसी होगी या मदर टिंचर रहेगा। अगर ये पोटेंसी है तो जाहिर है 1 या 2 कतरे लेने होंगे, लेकिन अगर मदर टिंचर ही रहेगा तो फिर 10 या 15 कतरे। नहीं, 10-15 कतरे लेने की ज़रूरत नहीं है। डे आइंस वैसे पोटेंसी में आ जाता है, फर्स्ट पोटेंसी है डे आइंस तो, लेकिन ये ऑलमोस्ट मदर टिंचर के करीब करीब ही है, तो
तो उसके 20-10-5-10 कतरे लिए जा सकते हैं, लेकिन मदर टिंचर जीरो है, डे आइंस पहली पोटेंसी है, फिर डे स्वाय, फिर डे द्राय, ये डे स्वाय डे द्राय या डे आइंस से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है, छोटी पोटेंसी है, लेकिन मदर टिंचर भरल मदर टिंचर है। जी अमीनी साहब, बेटे की उम्र 33 साल, मिजाज सेंसिटिव है, पहली बार प्रॉब्लम 2013 में हुई थी, मेदे के मुंह पर जख्म है, शदीद दर्द होती है, तेजाबियत बनती है, गैस बनती है, दर्द इतनी शदीद होती है कि इसका हाथ सुन होने लगता है, किसी होम्योपैथी दवाई का असर नहीं होता तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वहां पर इन्फेक्शन लगानी पड़ती है, इससे फर्क पड़ता है, मिर्चों से डायरेक्ट दर्द होती है, इसलिए तकरीबन 5 साल से बिल्कुल मिर्चें और ऑयली खाना नहीं खाता, लेकिन इसके बावजूद दर्द होती है, जब दर्द हो तो सिर्फ नेट्रम फास्ट 200 से वक्ती फायदा होता है, मेथी दाने का पाउडर शहद में मिक्स करके खाता है तो फर्क पड़ता है। अब आप डॉक्टर साहबान से दवाई पूछिए। हाँ जी, इसमें जज़ाकला, इसमें यह है कि जो मेथी दाना है उसमें डायोसिन होती है, यानी कि हमारी एक दवाई है डायस्कोरिया, ये सोजन को कम करने में मदद करती है, मगर यह है कि जब वो हरी मिर्चें सुरख मिर्चें नहीं खा सक रहे तो फिर वो जो मेथी दाना है वो भी क्योंकि उसी तरह की प्रॉपर्टी रख रही है, मेरे से हैरत हुई है कि वो उनको किस तरह सूट कर रही है, मगर फिर भी डायोसिन है उसमें। यह है कि उनके इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जख्म होता है, अगर वो ना भी कुछ खाएं तब भी उनका जख्म होता है। ये 3 दवाइयां हैं, प्लांटागो मेजर, जेरानियम और हाइड्रासिस, ये 10-10 कतरे पानी में डालकर दिन में 6 दफा इस्तेमाल करें, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो है इनको रिलीफ आ जाएगा, और अपने खाने में बिल्कुल जो सख्त खाने हैं या नरम नरम है चीज़ें वो 1 हफ्ते तक रखें, और 1 हफ्ते के वरना ये अगर ये बढ़ गया तो फिर इनको ब्लड क्लॉटिंग और जो है वो लिवर के अंदर जो एक एंजाइम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उसका नाम ESD है, जो इनको सख्त नुकसान दे देगा, और इनका जो लिवर सिरोसिस होने का खतरा होता है, और दूसरा दिल कमज़ोर हो जाएगा। ये 3 दवाइयाँ याद रखें, प्लांटागो मेजर, जेरानियम और हाइड्रास्टिस के 10-10 कतरे, या फिर शरबत काफूर जो है वो इसका मुस्तकिल इस्तेमाल करें, जब भी खाना खाएं उससे पहले ले लें और या बाद में ले लें, आधा घंटा घंटे के बाद, तो उससे भी उनका ये इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। और एक दवाई और है वो इसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं कि भी इनको जो ल्यूपस ना बन जाए लीवर के अंदर, वो है हाइड्रोकोटाइन। ईरान साहब, मेरी उम्र 56 साल है, मुझे 13 साल से थायराइड और हाशिमोटो है, अब तकरीबन 2 साल से अथरोजे डायग्नोज हुई है, चलते हुए कूल्हे की हड्डी कड़कड़ करती है और कमर की बैक पे बाईं तरफ भी दर्द होती है, अब 6 माह से टखने सूज रहे हैं, 6 माह से टखने पे सूजन है, दोनों पांव की अंदरूनी साइड पर सूजन ज्यादा है, पांव जमीन पर रखे नहीं जाते, पांव का एंगल जरा सा भी तब्दील हो तो शदीद दर्द के साथ लगता है हड्डी टूट जाएगी, डॉक्टर का ख्याल है कि शू आयन लेगा की जरूरत है, इत्तेफाक से 5 दिन से दूध में हल्दी अदरक डालकर पी रही हूं तो सूजन और दर्द में कमी है। अब आपसे उन्होंने इलाज दवाई पूछी। देखें जी, इस किस्म की बीमारियों की, इतनी लंबी बीमारियों की दवाएं ऑनलाइन बैठ के बताना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर इन्होंने जो कुछ बताया है उसके लिए सबसे पहले तो ये लें सिफ्लिनम 1000 में या 10,000 में एक खुराक, सबसे पहले उसकी एक खुराक लें, और उसके बाद फिर ये रूटा रस्ट्रक्स ब्रायोनिया कलकेरिया फास और
विस्कम एल्बम, फॉर्मिका रूफा, ये 30 में मिला के दिन में 3 से 6 दफा लें, 2-3 हफ्ते के बाद फिर बताएं। तो जिनका इलाज ऑनलाइन बताना मुश्किल है उसका दूसरा हाल भी बता दें। उसका दूसरा हाल मैंने पिछले अपने एक प्रोग्राम में सारा कुछ बताया है सर, लोगों को, लोग प्रोग्राम सुने देखें, उसमें मैंने सारा कुछ बताया था कि अपनी तफसील लिखें, तफसील लिख के हमें भेजें हमारे मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, कि ये मसले हैं, इस तरह इस मतलब कहानियां नहीं लिखनी, सिर्फ पॉइंट लिखने हैं कि मसलन ये मेरा नाम है, ये मेरी उम्र है, इतनी देर से मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे कब्ज़ है, मुझे खाना हजम नहीं होता, मुझे खाना हजम होता है, मेरे जोड़ों में दर्द है, किन किन जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस है, कहाँ कहाँ अर्थराइटिस है, अर्थरोज़े है, कहाँ कहाँ अर्थरोज़े है। अर्थरोज़े और अर्थराइटिस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है इनमें। तो है सीधी सी बात, जो जोड़ों में दर्द है, तो मुझे लेटने से आराम आता है, मुझे बैठने से आराम आता है, मुझे हरकत करने से तकलीफ होती है, मुझे हरकत करने से आराम मिलता है। इस किस्म के कुछ पॉइंट लिख के अगर वो भिजवाएं तो फिर हमारे लिए दवाएं ढूंढना आसान होती है। तो बहरहाल ये सिफिलिनम तो लें, सिफिलिनम, इनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, इनको सिफिलिनम की ज़रूरत है, तो वो ले कर, तो बाकी जो दवाएँ मैंने 30 में बताई वो खाएँ और फिर बताएँ। अगर बच्चों के गले में इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो और बुखार ना उतरे तो डॉक्टर की दी गई एंटी बैक्टीरियल पेंसिलीन की बजाय होम्योपैथिक में कौन सी दवाई हो सकती है? बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल पेंसिलीन से कभी भी गले ठीक नहीं होते। अगर कभी खुदा ना खास्ता हो भी जाए ठीक, खुदा ना खास्ता, तो वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए होते हैं जितने दिन वो दवाई खानी है। जिस दिन दवाई छोड़नी है उसे अगले दिन फिर वो शुरू हो जाती। एंटी बैक्टीरियल के लिए सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक दवा है एकिनेशिया। हम कई दफा अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि खासकर बच्चे वाले घरों में, जिन घर में बच्चे हैं उनको एकिनेशिया, हाइड्रास्टस, प्लांटागो मेजर, इस तरह के मतलब टिंचर्स घर में रखने चाहिए ताकि जो वक्ती तौर पे काम आ जाए। मसलन प्लांटागो मेजर अगर बच्चे के कान में दर्द है तो कान में 2 कतरे डाल दें, अगर दांत में दर्द है दांत में 2 कतरे डाल दें। एकिनेशिया इन्फेक्शन की और बुखार की बेहतरीन दवाई है। 5 बच्चों को 5-10 कतरे दिन में 5-6 दफ़ा मिला के बना के दें, या 1.5 लीटर की बोतल में 15-20 कतरे डाल लें पानी की, 20 1.5 लीटर की बोतल में 15-20 कतरे एकिनेशिया मदरिंग के डाल लें, उसको अच्छी तरह से हिला लें, हिला के 1-1 चम्मच दिन में 6-7 दफ़ा दें तो खुदा के फजल से शाम पर बुखार उतर जाएगा और गला भी ठीक हो जाएगा। वैसे गला ठीक करने की बेशुमार दवाएं हैं, बेलाडोना है, फाइटोलाका है, फेरमफास है, एकिनेशिया और फेरमफास का कम्बिनेशन बुखार भी उतारता है अल्लाह के फजल से और गले भी ठीक करता है, गले का इन्फेक्शन भी ठीक करता है। तो इसलिए इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी दवाइयाँ हैं, ये अक्सर घरों में होनी चाहिए। फेरम फास हो गई, काली फास हो गई, बेलाडोना हो गई, पल्सटीला हो गई, कार्बोवेज हो गई। तो ये कार्बोवेज का हमने कई दफ़ा बताया कि ये लाइफ सेवर दवा है और ऐसा हकीकतन पिछले हफ्ते पाकिस्तान में हुआ। मैं वो पूरा वाकया इंशाल्लाह ताला किसी प्रोग्राम में सुनाऊंगा कि इंसान की अकल दंग रह जाती है कि किस तरह कार्बोविज ने एक बंदे को कब्र से निकाल के बाहर उठा ले, बाहर ले आई। ये हकीकत है, हकीकी वाक्य है कि उस बंदे को कब्र से उठा के उनका जनाजा पढ़ लिया, वो दफनाने चले गए, वो दफनाने लगे उसको, तो खुदा ने उसको बचा लिया। सब हैरान ना करें, तजस्सुस में ना डाले, सुना दें। मैं सुना रहा हूँ, मैं आपको ये हकीकत ही वाक्य सुना रहा हूँ। वो एक बंदा था, वो बेचारा फौत हो गया, ऐलान हो गया, डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि ये फौत हो गया। घर में ले आए, जनाजा जनूजा हुआ, नमाज इसमें दफनाने के लिए जब उसको लेके गए तो जब उसको दफनाने लगे, उसको कब्र में रखने लगे तो उसके पाँव हिले, तो वो रुक गए। तो
वहां से जो दोस्त था उसका एक दोस्त था यहाँ पे जर्मनी में, उसने अपने दोस्त को फोन किया कि यार इस तरह फलां हमारे लेके आए दफनाने के लिए, तो वो हमारे बुजुर्गों के को पैर हिल रहे हैं। तो वो दोस्त मेरा जो कहने लगा, उसने अपने दोस्त को फोन किया, उसने कहा कि मुझे यार ये नहीं पता, राणा साहब कहते हैं कि कार्बोवेज दे दो। उन्होंने कहीं से फौरन कहीं से कार्बोवेज लिए, कार्बोवेज ला के उसके मुंह में डाली, तो वो थोड़ी देर बाद होश में आना शुरू हो गया। उन्होंने दोबारा डाल दी, तो इससे बारह डाल दी। खैर वो उठाया, उन्होंने उठा के घर ले आए, घर ले आए, घर ले आए। उन्होंने कहा अब करें क्या। वो खैर वो लोगों ने मशवरे दिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने देखा, उन्होंने कहा कि इसको तो हमने कहा मार दिया था, ये तो जिंदा बैठा हमारे सामने। उन्होंने फिर अपनी तरफ से जो उन्होंने कार्रवाई करी, 2-3 इंजेक्शन ठोके उसको, तो उन्होंने अपनी कार्रवाई तो दिखानी थी ना। तो इसलिए ये होम्योपैथी दवाएं खुदा के फजल से कब्र से निकाल लाती हैं। इनको रखें, इन पे यकीन रखें, ये बहुत ही असर करने वाली दवाएं हैं। अगर कोई होम्योपैथी दवाई असर नहीं करती, उसमें दवाई का कसूर नहीं है, मौलज का कसूर है, या मौलज उसकी तशखीस नहीं कर सका। इसलिए मैं कई बार अपने प्रोग्राम में बता चुका हूँ, अब हमने आप फ्लंसन अपोथेके वालों ने, अपोथेकरी वालों ने एक बॉक्स भी इंट्रोड्यूस करवाया है। आप बॉक्स लेके अपने घर में रखें, अगर आप बॉक्स नहीं अफोर्ड कर सकते, कुछ सिंगल दवाएं 25-30-35 अपने घरों में रखें, ये आपकी ज़िंदगी बचाने वाली दवाएं। डॉक्टर साहबान की दवाएं अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, बड़ा अच्छा इलाज करते हैं, मैं उनका इनकार नहीं करता, लेकिन जिंदगी बचाने वाली दवा होम्योपैथी उन्होंने पूछा जी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन लेनी पड़ जाए तो इसके बद असरात दूर करने के लिए कौन सी दवा है? है। अब मैंने इतना कुछ तो बता दिया, अब इसको क्या लेना है। इसके बद असरात दूर करने के लिए नक्स फोमिका, कैम्फर, सल्फर वगैरह इस तरह की दवाएं लें तो उसका असर दूर हो जाता है। मोहतरम अमीनी साहब से सवाल है कि अगर बच्चा एक जैसा खाना खाता रहा हो और इसका रंग जर्दी माइल स्याह हो जाए और चेहरे पर सफेद निशान पड़ रहे हो, इसके साथ नजर भी कमजोर होने लगे, इसके लिए क्या इलाज होगा? इसमें दो दवाइयाँ काम करती हैं, बेबरिस और अल्फल्फा, मदर टिंचर्स हैं। उसके 10-10 कतरे, ये आप दोनों को मिलाकर 20 कतरे पानी में रोजाना दिन में 3 से 4 दफा दें तो उसका ठीक हो जाएगा। बेबरिस वुलगारिस मदर टिंचर है और अल्फल्फा मदर टिंचर है। अमीनी साहब ने एक प्रोग्राम में डीटो इंफेक्शन के लिए दवा का जिक्र किया था, बराए मेहरबानी इस दवा का नाम भी बता दें। मुझे समझ नहीं, डीटो इंफेक्शन का मुझे नहीं, डीटो इंफेक्शन, इसकी थोड़ी स्पेलिंग बता दीजिए मुझे, शायद मैं इसका डी ओ एक्स डी ओ वाई एफ आई CATION। मुझे समझ नहीं आई, तो दोबारा से सॉरी यार। DETOXIFI डी ई डी ओ एक्स एफ आई आई जी CATION, डिटॉक्सिफिकेशन है, हाँ जी डिटॉक्सिफिकेशन वो कह रहे हैं के लिए कि दवा का जिक्र किया था, प्रेमवाणी इस दवा का नाम भी बता दें। डिटॉक्स करती है। ये है कि मैंने मुख्तलिफ उसमें बताए होंगे, डिटॉक्स है जो बॉडी के अंदर लिवर को डिटॉक्स करने के लिए, लिवर की जो दवाइयाँ होती हैं वो लिवर को डिटॉक्स करती हैं। उसमें बेशुमार दवाइयाँ, उसमें थूजा है, कार्डस मरियानस है, पेब्रिस है, चेलिडोनियम है, हाइड्रास्टिस है, हाइड्रोकोटाइल है, ये सारी दवाइयाँ लिवर के अंदर मुख्तलिफ एरिया को डिटॉक्स करती हैं। जिस तरह मैंने अभी बच्चे के लिए बताया है वो से के जो तिली के ऊपर बैक्टीरिया, मैदे के अंदर बैक्टीरिया आ रहा है वो आंतों की खराबी की वजह से और मैदे की खराबी की वजह से, ये बैबरेस और अल्फल्फा मैदे के अंदर डिटॉक्स करती हैं। और जो दूसरे जो लिवर को बाज दफ़ा छोटी आंत नुकसान दे रही होती है उसमें चेलिडोनियम डिटॉक्स कर देती है। बड़ी आंत के इन्फेक्शन के लिए कार्डस मरियानस
डिटॉक्स करती है, और हाइड्रोकोटाइल जो है वो बड़ी आंत के इन्फेक्शन को डिटॉक्स करती है। फिर ऐसे के लिए जो मुख्तलिफ पोटेंसीज के अंदर काम करती हैं, नेट्रम नेट्रम सल्फ डिटॉक्स करती है, और फास्फोरस है मदर नो सॉरी 3x में, वो जिसको भी इन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है यानी ब्लीडिंग हो जाती है, खराश पैदा हो जाती है, उसको डिटॉक्स करने में मदद करती है। और तमाम ऐसे खाने जो जो जिनको प्रोटीन एलर्जी होती है उनमें नक्सवामी का डिटॉक्स करती है। डिटॉक्स बेशुमार चीज़ों को डिटॉक्स करने के मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं। निदान साहब, पेट में जो कीड़े होते हैं उसके लिए उन्होंने वॉर्म्स का नाम इस्तेमाल किया है वर्ड, इसके लिए कोई जी दवाई बता दें। मेरी बेटी की उम्र 8 साल है, इसके पेट पर वर्म है, वॉर्म्स, इसके वॉर्म्स पेट में अक्सर दर्द रहता है। मेरी बेटी पानी नहीं पीती, कहती है कि पानी का जो टेस्ट नहीं है, कोला और जूस वगैरह पीती है, खाने में भी इसको कोई टेस्ट नहीं आता, हर वक्त सुस्त होकर पड़ी रहती है, नाखून भी खाती है। होमो दवाई में सिना 200 एक हफ्ते दी थी, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, नई दवा तजवीज कर दें। लेकिन जी, इसकी मेन दवाई तो सीना ही है, लेकिन सीना 30 में दें और साथ दें उसके सेंटो 9 30 में, साथ उसके दें अटिस्टा इंडिका 30 में। ये तीनों दवाएं 30 में मिला के दें तो अल्लाह ताला के फजल से विद इन ए वीक सब कीड़े शीड़े निकल जाएंगे, वॉर्म्स खत्म हो जाएंगे। अजी एक इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, बच्ची का जी मामला है, बात दरअसल यह है कि उसे की तिली सूज गई है किसी खाने की वजह से। जब भी इंसान का टेस्ट खत्म होता है तो मेदे के ऊपर एक ऑर्गन लगा होता है ब्राउन कलर का, उसके अंदर बच्ची का हेमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है और दूसरा खून की कमी हो जाती है। असल में होता यह है कि छोटी आंत, बड़ी आंत और मेदे के अंदर कुछ ग्लैंड्स जो है सूज जाते हैं, इसको मेसेंटेरिक ग्लैंड्स कहते हैं, और पोटर ग्लैंड्स सूज जाती हैं, तो जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो तिली को होता है। तिली को साफ करने के लिए जाबरांडी और सिनाथस अमरीकाना, बैबरेस, ये बच्ची को मदर टिंचर की सूरत में देने पड़ते हैं। जब तक अगर हम नहीं देंगे तो बच्ची के बाल भी झड़ जाएंगे, बच्ची को कन्फ्यूजन, उसको जिन भूत नजर आना शुरू हो जाएंगे, और लोअर बैक दर्द करेगी, बुखार की हर वक्त कंडीशन होगी, चिड़चिड़ा होगा, नाक के अंदर से खुशबू आना बंद हो जाएगी। इसलिए फौरी तौर पर मदर टिंचर जो है 3 जरूर ले लें, जाबरांडी जाबरांडी मदर टिंचर, सिनाथस अमरीकाना मदर टिंचर, और बैबरिस मदर टिंचर, बैबरिस वुलगारिस जो मदर टिंचर है वो देना शुरू करते हैं। बाकी जो डॉक्टर साहब ने पोटेंसी बताई है वो देना शुरू कर दें। सर जी, एक ने लिखा है कि मेरे खावन सिगरेट पीते हैं लेकिन छोड़ना चाहते हैं, जब भी कोशिश की है तो तबीयत में गुस्सा बहुत आ जाता है, सर में दर्द आता है, कब्ज हो जाती है, सिगरेट दोबारा शुरू कर दें तो कब्ज दूर हो जाती है, ऐसी दवाई बताएं कि वो सिगरेट पीना छोड़ें और तबीयत पर मुरतब होने वाले मनफी असरात से भी बचे रहें। देखें जी, बात यह है कि सिगरेट छोड़ी जाती है हमेशा विल पावर से। अगर तो उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है फिर तो वो छोड़ सकते हैं, पर इसकी तलब को कम करने के लिए हम दवाएं बताते हैं। इसकी तलब को कम करने के लिए दवा है कैलेडियम। कैलेडियम 30 अगर वो रोजाना लें 2 3 दफा तो इसकी तलब कम होती है। और फिर दूसरी दवा है टैबाकुम, और तंबाकू से बनती है वो भी 30 में दिन में 2 3 दफा साथ लें, कैलेडियम के थोड़े कैलेडियम लें फिर टबाकुम लें तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा इनको। और तीसरी दवा है डेफने इंडिका। तो ये तीनों दवाएं 30 में अगर बारी बारी लें तो, और साथ विल पावर चाहिए कि मैंने नहीं पीना, तो अल्लाह ताला के फजल से उनकी ये तलब कम होती जाएगी। सर जी, राणा सईद साहब से सवाल पूछा है कि उम्र 43 साल है, 2016 से हाइपोथायराइड था, अब ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक हाइपरथायराइड हो गया है,
वजन कम हो रहा है, इंतहाई कमजोरी नकाहत होती है, हर माह पीरियड में हैवी ब्लीडिंग भी होती है, ब्लड रिपोर्ट्स के मुताबिक विटामिन डी और आयरन की कमी है, बाल भी बहुत गिरते हैं, दवाई तजवीज कर दें। हाँ जी, इसी प्रोग्राम पे वीओजी के प्रोग्राम नंबर 22 पे जाके मेरा प्रोग्राम सुन लें, और वीओजी के प्रोग्राम नंबर 24-20 पे ही मेरा नंबर सुन लें, मैंने उस पर तफसील से इस पर बात की हुई। इस सेमिनार में मैं थोड़ा सा कर दूँ, बेशक वो ज़रूर डॉक्टर साहब के वीडियो देखें, उससे ज़रूर इस्तेफादा कर पाएँ। बिल्कुल सिंपल से चीज़ ये है कि थायराइड्स अंडर एक्टिव बॉडी हीट करने की वजह से अंडर एक्टिव हो जाता है। अगर बॉडी को हम ठंडा कर देंगे तो वो जो थायराइड्स है ओवर एक्टिव हो जाता है। ऐसी खवातीन जिनके अंडर एक्टिव है तो वो गर्म चीज़ें खाना छोड़ दें, मजे के कम कर दें, यानी कि कॉफ़ी है, चाय गर्म गर्म पीना है, या ऐसे खाने जो इसमें मिर्चें ज़्यादा हों उनके अंडर एक्टिव हो जाते हैं और TSH हाई हो जाते हैं। और जो ऐसी खवातीन जो अपनी डाइट बदल लेती हैं फिर उसमें ठंडा पानी, आइसक्रीम और मिल्क शेक या ठंडे खाने या जिसमें सैलड ज़्यादा कर देती हैं, उनका थायराइड जो है ओवर एक्टिव हो जाता है और प्रेशर ऊपर की तरफ बन जाता है और जो थायराइड्स ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन पैदा करना शुरू कर देता है। कहते हैं 2 साल पहले दाएं पसली पर चोट लगी थी, अब सांस लेने से दर्द हो रही है, दवा तजवीज कर दें। हाई पेरिकम खाएं 200 में रोजाना, एक दफा चंद दिन खाएं, फिर छोड़ दें, फिर देखें, फिर अगर ना फर्क पड़े तो दो हर दूसरे तीसरे दिन 200 में खुराक खा लें। राज साहब, सवाल पूछा किसी ने कि भाई आपके उस्ताद मोहतरम रहमतुल्ला ने हर सर्जरी से कबल और बाद आर्निका 1 mg की एक खुराक तजवीज की है, मगर आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में कहा है कि आर्निका सर्जरी से पहले बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, आपका जवाब कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। जी, मेरा जवाब कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। मेरे उस्ताद मोहतरम रहमतुल्लाह ताला ने किसी को बताया था कि आप ऑपरेशन से पहले आर्निका अजार खा लें, उसका किस चीज़ का ऑपरेशन था ये किसी को नहीं पता। बात यह है कि आर्निका एक ब्लड थिनर है, अगर आप आर्निका ब्लड ऑपरेशन से पहले खाएंगे तो सर्जन को प्रॉब्लम होगी, वो आपका खून नहीं रोक सकेगा, इतना पतला हो जाएगा आर्निका के साथ। इसलिए इस जमाने के जो मास्टर होम्योपैथ है विटुलक्स, इस हमारे जमाने का अगर मास्टर होम्योपैथ जो है विटुलक्स, उसने भी इससे मना फरमाया। उसने भी कहा कि ऑपरेशन से पहले आर्निका नहीं खानी। उसने ये फरमाया कि ऑपरेशन के बाद अगर ऑपरेशन वाली जगह के इर्द गिर्द निलाहट हो या दर्द हो बहुत ज़्यादा तो फिर आप बेशक आर्निका खाएं। मैं अपने उस्ताद मोहतरम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन वक्त और हालात के साथ दवाएं बदल भी जाती हैं, और मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी हुई थी कि अगर मैं कोई दवाई चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। देखा जी, मेरी बेटी की उम्र 9 साल है, इसका कद बहुत छोटा है, 1 साल पहले दवाई बताई खाई थी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, खाना भी ठीक खाती है, अब फिर दवाई बता दें। देखें जी, कद के लिए इस प्रोग्राम में, इसके पिछले प्रोग्राम में बेशुमार दफा दवाइयां बताई गई, आप हमारे प्रोग्राम देखें या व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको नुस्खा भेज देंगे। ठीक है जी, ये थे आज के सवाल जो चुने थे मैंने, हौसला कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने 9 साल का एक पर्टिकुलर बताया है, 9 साल की बच्ची है। ये है कि 9 साल की बच्ची है, बाद बच्चियों को ना बहुत ज्यादा सख्ती की जाती है कि वो मतलब तरबियती लिहाज से, ये नहीं कि किसी वजह से हो, तरबियती लिहाज से की जाती है, बच्चे के अंदर डर और खौफ पैदा हो जाता है जब भी किसी ना जानवर में या किसी इंसान के बच्चे में या डर और खौफ पैदा होता है तो वो बच्चे का कद खत्म होता है। इसमें कार्डस मरियानस जो है वो बच्चे के डर और खौफ को कम करती है, और कार्डस मरियानस बहुत सेफ दवाई है,
ये लिवर को डिटॉक्स ही नहीं करती, बहुत ज्यादा खून के अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उनको एक्टिव कर देती है, तो जिसकी वजह से कद बढ़े में बहुत मदद करती है। ये ब्राइटा कार्ब 6X में और कार्डस मरियानस मदर टिंचर की 10 से 30 कतरे दिन में 3 से 4 दफा ले सकने से 1 साल के अंदर अंदर उनका कद बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, देख लेते हैं, अगर किसी ने कोई सवाल ऑनलाइन पूछो तो पूछ लेते हैं। अभी तक तो कोई सवाल नहीं आया मेरे पास। ठीक है जी, आप इतने ही सवाल थे, 20 से 14 थे जो ऑनलाइन लोगों ने डायरेक्ट पूछे हैं बादशाह के पास, वो तो शायद मेरी अप्रोच में नहीं है, इसलिए आज के प्रोग्राम पे इसी पे इतफाक करते हैं। वैसे 45 मिनट तो हो गए। आप दोनों हजरात ने कोई बात खास कहनी हो, कोई नसीहत करनी हो, कोई हिदायत देनी हो? हमने तो सिर्फ हर हमेशा की तरह यही एक बात कहनी है कि इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, खुद भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं। ये खिदमत खलक है, ये खिदमत खलक है, और इसके खिदमत खलक का बहुत बड़ा सवाब है, तो इसलिए इस खिदमत खलक में हमारा साथ बटाएं और इस प्रोग्राम को फैलाएं, देखें, ताकि अगर आपको नहीं किसी को फ़ायदा हो जाए, और जब किसी को फ़ायदा होगा तो उसका सवाब अल्लाह ताला आपको भी देगा। इसलिए नहायत अदब से दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। अमीन साहब, आपने कोई यह है कि हमारी दुआओं में तमाम पेशेंट्स रहते हैं, हम अल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर किसी को मुसीबत और अजाब से बचाए और बीमारियों में से महफूज रखे। आमीन। यह है कि बाज दफा हमारे पास खुद से कोई ऐसा नहीं होता कि हमने किसी को इस्लाह करनी है या उनकी तरबियत करने के लिए कोई लेक्चर देना है, उसके लिए हमारे जो दीनी दोस्त हैं, जो अकाबरीन हैं, वो इसके लिए हमतन मशगूल है। खाएं पिएं मगर मौसमी खाएं। इसमें ये कहूँगा कि बाद लोग मुझे शिकायत करते हैं कि भाई डॉक्टर साहब आप तो सिट्रिक एसिड वाले चीज़ें जो है मना करते हैं, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मौसम के हिसाब से खाएं। देखें कि जो गर्मियों के मौसम में जो फ्रूट पैदा होते हैं वो सर्दियों से बचाते हैं, जो सर्दियों के फ्रूट हैं वो गर्मियों से बचाते हैं। ये जो आजकल हे फीवर इतना फैला हुआ है वो इसका रीज़न भी यही है कि आप सर्दियों में तरबूज और खरबूजा, बहुत ज़्यादा केला, ये गर्मियों के फ्रूट हैं। अगर आप सर्दियों में खाएंगे तो आप लोगों को हे फीवर ज़रूर होगा। एक बार तजर्बा करके देख लें। मेरी गुजारिश ये है तमाम ऐसे जो हे फीवर ना अपने साथ लेके फिरते हैं कि भाई सर्दियों को ऐसे फ्रूट जिसमें कीवी, अनन्नास, स्ट्रॉबेरीज या ब्लूबेरीज, बेरीज और तरबूज, खरबूजा, केला, ये सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में इस्तेमाल करें, जिससे आपका सर्दियों में विटामिन डी पूरा रहे। अगर आप ये जो अगर आप सर्दियों में खाएंगे ये विटामिन डी को लो कर देगा और गर्मियों में आपको गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हे फीवर होगा और आपको उससे का नुकसान होगा कि भाई आपको एलर्जी भी होगी, बैक्टीरिया भी आपके पेट में बढ़े। और जो गर्मियों जो सर्दियों के फ्रूट हैं वो सर्दियों में खाइए, जिससे आपकी गर्मियाँ बहुत अच्छी गुजरेंगी, जिसमें हॉट फ्लैशेस नहीं होंगे और आपके थायराइड्स भी प्रॉपर काम करेंगे, मैदा भी इसमें प्रॉपर काम करेगा और आपको दूसरे एंजाइटी, ओसीडी वगैरह नहीं होगी। तो बस ये मेरी गुजारिशात हैं कि ये ना समझें कि डॉक्टर जो है बैठे वो अल्लाह ताला की नेमतों को किसी के लिए अजाब बना रहे, अजाब हम बनाते हैं। अल्लाह ताला कहता है कि मौसम के हिसाब से खाओ और मौसम के हिसाब से एक मौसम दूसरे मौसम को डिटॉक्स करता है। तो ये नहीं है कि भाई हर मौसम में हमें यहाँ हर मौसम में हर चीज़ मिलती है, सिर्फ आपने उसमें से अगर किसी के पास से नेमत चखने का है तो थोड़ा खाइए, ज़्यादा ना खाइए। और लोग यहाँ मौसम के हिसाब से सर्दियों में ये तरबूज वगैरह का इस्तेमाल या इस तरह के फ्रूट जो है उस पर जोर देते हैं, गर्मियों में ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, और जिससे
वेस्कुलर डिजीज पैदा हो जाती हैं, यानी कि उनके अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, वो हार्ट पेशेंट हो जाते। तो इस तरह है कि ड्राई फ्रूट जो है वो भी गर्मियों में, सर्दियों में इस्तेमाल करें, मगर कम इस्तेमाल करें, या फिर उसके साथ दूध का इस्तेमाल करें या मक्खन का इस्तेमाल ज्यादा करें, जिससे आपके के गर्मियों में पसीना आएगा और बॉडी जो है डिटॉक्स होगी। बहुत शुक्रिया जी दोनों हजरात का, आपने इतना वक्त दिया और नहायत कीमती गुफ्तगू की और कीमती मशवरों से नवाजा। इसके साथ ही नाज़रीन हमें आज इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह होम्योपैथिक होगा शाफी प्रोग्राम के साथ अगले मंडे को हाजिर होंगे, लेकिन प्रोटीन के प्रोग्राम जो हमारे सियासी प्रोग्राम है वॉइस ऑफ जर्मनी के वो जारी रहेंगे। कल इंशाल्लाह 11 बजे जर्मन वक्त के मुताबिक हम पाकिस्तान जो रेलवे चलाना चाहता है कार्गो ट्रेन इस्तंबुल तक, जो 2003 से मुतअद्दिद बार उसका प्रोग्राम बना, डेटें अनाउंस हो गई और नहीं चल सकी, अब कल फिर एक मफाहमती माहदे पर दस्तखत हुए हैं तीनों मुल्कों के दरमियान, डेट कोई नहीं दी कि किस तारीख से चलेगी। इस पर हमने एक प्रोग्राम तैयार किया है कि कल जर्मनी में 11 बजे दोपहर जो है कबलस दोपहर और पाकिस्तान में 2 बजे यह है प्रोग्राम जो है लाइव नशर किया जाएगा, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया, बकौल सईद साहब, जय डॉक्टर। चलो श्लाट थैंक यू। थैंक यू।